यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम क्या है, रावणा शेकिंग माउंट कैलाश, नाम से पता चल रहा है ये भी आपका पौराणिक कथा से लिया गया है, ठीक है, हिंदू के पौराणिक कथा से लिया गया है। इसमें क्या है, रावण जी है जो आपका क्या कर रहा है, कैलाश को उठा रहा है, ठीक है, तो इसको राक्षस कुटा पीरियड कहते हैं। ये जगह कहाँ है, ठीक है, ये जो मूर्ति बना है ये स्पेशली है कहाँ, तो इलोरा केव आप लोग सुने होंगे महाराष्ट्र में, तो इलोरा में है ये, महाराष्ट्र इंडिया। मीडियम क्या है इसका, स्टोन है, रॉक कट काटा गया पत्थर को, ठीक है, पत्थर को काट के ये बनाया गया। रिलीफ स्कल्पचर है, देख सकते हैं ये जो कि सबका जो है ना, आपको फिगर है बिल्कुल दिमाग में सेट करना पड़ेगा तभी आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है हमें, इसको हम गोल घूम के देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं, ये हमें सामने दिखाई दे रहा है, पीछे जाएंगे तो कुछ और ही रहेगा, ठीक है, मतलब क्या वो दूसरा कुछ रहेगा, मतलब ये हमें पीछे से नहीं दिखेगा ना। तो ये हो गया रिलीफ। अब ये कलेक्शन क्या है, कलेक्शन हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मोस्टली हम देखते हैं इस चैप्टर में जितना भी है कलेक्शन सब में सेम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही है, ठीक है, तो इसमें तो कोई ये नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 8th सेंचुरी AD में इसको बनाया गया। डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे अब हम लोग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में क्या है, रावणा शेकिंग माउंट कैलाश इज मोस्ट पॉपुलर थीम इन एलोरा केव्स बिकॉज इट हैज़ बीन डिपिक्टेड सेवरल टाइम्स इन दीज केव्स। इस केव में जो है ना, एलोरा केव में बहुत बार, काफ़ी बार जो है क्या किया गया है, रावण को जो है दिखाया गया है कि वो माउंट कैलाश को उठा रहा है, ठीक है, तो ये बहुत बार बनाया गया, इसीलिए क्या किया गया है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है आपका एलोरा का ये रावणा शेकिंग माउंट कैलाश जो बना हुआ है, ये मूर्ति बहुत ज़्यादा फेमस है इसीलिए। अब ये जो है, ये भी इसका भी तारीफ करने का ही नहीं है, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, यानी कि मोस्ट रिमार्केबल है ये, जो कि इसमें क्या किया गया है, लेफ्ट वॉल, आप इस टेम्पल में जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट वॉल यानी कि आप बाई तरफ, बाई तरफ की जो आपका होगा दीवार, उसमें आप कैलाशनाथ टेम्पल के अंदर, अगर आप केव नंबर 29 में इलोरा का, वहाँ पे अगर आप लेफ्ट वॉल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरती से बनाया गया, मतलब उसका कहने सकते कि वो कितना मतलब अच्छा है उसको बनाया गया, कि तारीफ कितना भी करो कम है, इसीलिए इसको यहाँ पे मोस्ट रिमार्केबल लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उसका जो बनाया गया है इलोरा का केव 29 में, कैलाशनाथ टेम्पल में लेफ्ट वॉल में, जो बहुत ही सुंदर एनग्रेव किया गया है, ठीक है। तो अब ये जो है कोलोसल स्कल्पचर, कोलोसल का मतलब क्या होता है, लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा स्कल्पचर, बहुत ज़्यादा बड़ा मूर्ति है, ठीक है, और वो क्या है, एक मास्टरपीस है इंडियन कल्चर में। इंडियन कल्चर की बात करें यहाँ पर, तो इंडियन कल्चर हो गया हम कि बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, पॉपुलर है, मास्टरपीस है ये जो आपका स्कल्पचर है, जो कि आपका दीवार पे बनाया गया है केव में, ठीक है। अब क्या यहाँ पर इन दिस स्कल्पचर हमें दिखाया गया कि जो रावण है आपका माउंट कैलाश को क्या कर रहा है, सेक कर रहा है, यानी कि माउंट कैलाश को बहुत ही आसानी से उठा लिया है, ठीक है। तो जो लॉर्ड शिव है यहाँ, यानी कि आपका शिव जी, वो क्या है यहाँ पे पार्वती जी के साथ है और अदर्स भी वहाँ पे मौजूद है, यानी कि अदर्स यानी कि अदर देवी देवता जो है वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो वो भी मौजूद है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर जो कंपोजिशन है इस रिलीफ का, इसको जो है सेवरल टायर्स में डिवाइड किया गया, टायर्स बोल सकते हैं लेयर्स, ठीक है, इसका जो मूर्ति है इसको कुछ लेयर्स में डिवाइड कर करके बताया गया कि लोअर में क्या है, अपर में क्या है, मिडिल में क्या है, समझ सकते हैं। तो वैसे करके लेयर्स बना के इसको क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। इसमें देखिए लोअर वन सबसे पहले आ गया, लोअर वन नीचे वाला पार्ट, ठीक है, तो ये लोअर वन, लोअर वन में क्या बताया गया है कि ये मल्टी फेस्ड एंड मल्टी आर्म्ड रावण है, जो कि क्या कर रहा है, माउंट कैलाश को उठा रहा है पूरी ताकत से, ठीक है। तो मतलब क्या, ये जो है मल्टी फेस, आपको पता है ये 9 सर होता है रावण का, तो ये मल्टी फेस हो गया, और क्या हो गया यहाँ पर, मल्टी आर्म्ड, बहुत सारे हाथ से पूरी ताकत से ये उठा रहा रावण, तो हिज हैंड्स, इसका जो हाथ है पूरी तरफ पूरे चैम्बर पे क्या किया गया है, ऑल अराउंड यानी कि चारों ओर क्या किया गया, एक्सपैंड हुआ है, तभी तो वो पूरा कैलाश को उठा पाएगा। तो पूरी तरफ से क्या किया गया है, एक्सपैंड किया है अपना हाथ को, और क्या कर रहा है फिर वो, देखिए यहाँ पे थे ना हम लोग, मल्टी फेस एंड मल्टी फेस शेकिंग, यहाँ पे देखिए द डेप्थ ऑफ द
चैम्बर इज इनफ टू प्रोवाइड स्पेस फॉर थ्री डायमेंशनल इफेक्ट। अंदर जब आप जाएंगे एलोरा के, जैसे कि आप जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे इतना स्पेस रहता है कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ 3D इफेक्ट दिखा के क्या करते हैं लोगों का मनोरंजन किया जाता है। जैसा कि आपका अक्षरधाम टेम्पल, हम जैसा कि गए हैं अक्षरधाम टेम्पल, तो वहाँ पे देखिए बहुत अच्छा, मतलब क्या है, मूर्ति है, छोटा छोटा मूर्ति, उससे क्या किया गया है, बहुत सारे इफेक्ट्स लाया गया है, ठीक है। अंदर क्या चलता है आपको, तो बहुत सारे इफेक्ट्स लाया जाता है, कलर शेड, और आपको क्या किया जाता है, एक नाटक सा यानी कि एक ड्रामा सा दिखाया जाता है कि कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे क्या हुआ, पौराणिक कथाओं से रिलेटेड ही रहता है वो, स्टोरी दिखाते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कोई लोग गए हैं अक्षरधाम टेम्पल तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा जगह है, मतलब वो हिस्टोरिकल है तो बहुत ही मज़ा आएगा उसमें, वहाँ पर दिखाया जाता है इफ़ेक्ट्स वगैरह के साथ क्या किया है, तो वहाँ पर ड्रामास है, बहुत अच्छा लगता है। सो देखिए अब यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया आपका अपर हाफ। अब ऊपर की तरफ आ जाते हैं हम लोग, अपर हाफ, तो अपर हाफ में क्या हो गया, अपर हाफ जो है डिवाइड है 3 फ्रेम्स में, 3 फ्रेम्स में डिवाइड है, ठीक है। जो सेंटर पार्ट है आपका, वहाँ पे आपको इमेज यानी कि ये पिक्चर दिखाया गया है लॉर्ड शिव और पार्वती का, ठीक है। और जो पार्वती को दिखाया गया है, पार्वती जी को क्या किया है, शिव जी के क्लोज दिखाया गया है कि वो शिव जी के पास आ रही है, ठीक है। तो उनका जो लेग्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, यानी कि क्या है, फैला हुआ है, फैला हुआ मतलब क्या, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा ट्विस्टेड भी है, स्लाइटली ट्विस्टेड है, और ये क्या है, स्ट्रेच की हुई है जैसे पैरों को। और फिर क्या है यहाँ पर, इज रिसेस्ड स्पेस क्रिएट अ वेरी ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शेड, जैसा कि हम बोल रहे थे वहाँ पे, जैसे एलोरा केव में आप जाएंगे, एलोरा केव के बारे में बता रहा है कि कुछ ड्रामेटिक यानी कि ड्रामा वगैरह दिखाया जाता है, इफेक्ट्स लाइट और शेड के कंपेरिज करके दिखाया जाता है, ठीक है। वही तो, आप देखिए ड्रॉफ, ड्रॉफ यानी कि आप ड्रॉफ जानते ही होंगे, कुछ स्टोरीज अगर छोटे बच्चे में, जैसे हम लोग बचपन में कुछ कुछ स्टोरीज पढ़े हैं, जो लोग ड्रॉफ नहीं जानते, जैसे ड्रॉफ मतलब होता है नाटा, बौना आदमी, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग बौना आदमी। तो एक ड्रॉफ जो है, तो ड्रॉफ यानी कि गैना भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो फिगर है आपका, ये दिखाया गया यहाँ पे, देखिए ये सब जो दिखाया जा रहा है, ये सब क्या है, ये सब ड्रॉफ्स हैं, ठीक है, ये सब आपके ड्रॉफ्स हैं, जो कि कुछ कुछ एक्शन, कुछ कुछ काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, दे आर एंगेज इन देयर एक्टिविटीज़, कुछ कुछ काम में अपना बिजी हैं। तो जो सेलेस्टियल्स जो हैं आपके, यहाँ पे दिखाया गया है, फ्रोजन मूवमेंट अबव शिव एंड पार्वती विटनेसिंग द इवेंट। देखिए उस इवेंट में क्या हो रहा है, आप जानते हैं कैलाश पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिरता है, ठीक है, तो फ्रोजन जो है यानी कि जो बर्फ है, सेलेस्टियल्स, जैसे कि आप जानते हैं आकाश में जो सेलेस्टियल्स बने होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं गैलेक्सी वगैरह के बारे में, वही तो हो गया सेलेस्टियल, जैसे सन मून ये सब जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज जो है, जैसे कि आपका क्या हो रहा है, ऊपर से भगवान देवता देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा सब फिगर में बनाया हुआ ना, ये सब देवता लोग हैं, देवता देवी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो सेलेस्टियल्स हैं जो कि फ्रोजन में जो है, ये मूवमेंट यानी कि जो बर्फ वगैरह गिर रहा है शिव जी और पार्वती जी पर, ठीक है, ये एक इवेंट को क्या कर रहा है, विटनेस कर रहा है, बहुत ही अच्छा मतलब बनाया जा रहा है इस विटनेस को, याद के लिए, ठीक है, यादगार बन रहा है। तो देखिए इस इमेज को दिखाया गया है कुछ कंपोजिशंस में, जिसमें कि आपका क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए जिसमें किया क्या गया है, जो बॉडी एक्शन है बहुत ही वंडरली आपको इंटरवोवन विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का जो बॉडी पोस्चर है बहुत ही अच्छा रखा गया है। जैसे कि क्या, अगर कोई इंसान है, जैसे कि कोई बात कर रहा है और दूसरा इंसान रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो जो ड्रामा, अगर आप नाटक कहीं दिखा रहे हैं, स्कूल वगैरह में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं या फिर एज अ शो कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो पूरा ड्रामा जो है बहुत बेकार लगेगा, ठीक है, और वो ख़राब हो जाता है। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, एक जन बात करे तो दूसरा भी रेस्पॉन्ड करे, इससे क्या होता है कि आपका लगता है कि हाँ यस, ड्रामा हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर, यहाँ पे अगर उसी तरह से ड्राइंग में, जैसे कि ये स्कल्पचर है, मूर्ति है, मूर्ति में भी इसी तरह बनाया गया है। अगर ये इनको देख रहे हैं तो ये इधर इस तरफ इनको क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट किया गया है, ताकि लगे कि हाँ ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरवूविंग, मतलब एक दूसरे का मतलब होता है ना प्रतिरूप, तो वैसा दिखाया गया है। अब देखिए प्रोट्यूशंस ऑफ वॉल्यूम एंड
रिसेशंस इन द स्पेस इज इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द इमेजेस एनग्रेव्ड इन द एलोरा केव्स। ठीक है, क्या है ये? देखिए, ये जो रिसेशंस इन स्पेस, ये एलोरा केव के बारे में है सब कुछ, कि जो लैंडमार्क है, मतलब ये इमेजेस जो जितना कुछ भी दिखेगा आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इमेजेस कहाँ दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको एलोरा केव्स में दिखेगा। ठीक है, बस यही कह रहा है। अब हम लोग इसका समरी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए तौर पर। आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया वो पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट देख लेते हैं। देखिए, कुछ भी छूटेगा नहीं, एक एक बात बताएंगे। ठीक है, रावणा शेकिंग माउंट कैलाश, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्त्र कुता पीय। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े, अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े पीछे, ठीक है, क्या पढ़े हम लोग उसमें, वो कौन सा पीरियड था? पल्लवा पीरियड, याद रखिएगा, सबका पीरियड याद रखिएगा बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पे आपका रावण जी, रावण क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर थीम है रावण, जो कि शेक कर रहा है माउंट कैलाश को। और ये बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें जो है लेफ्ट वॉल जो है ऑफ एलोरा, दैट इज केव 29 कैलाशनाथ टेम्पल में बहुत ज़्यादा एनग्रेव किया हुआ है, और इसकी वजह से वो जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर। अब देखिए, ये जो है यहाँ पर क्या है, जो इंडियन आपका जो वॉल है, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, लार्ज स्कल्पचर है, बहुत बड़ा स्कल्पचर है। और साथ ही साथ इसमें क्या दिखाया गया है, इसको जो है नीचे वाला पार्ट, इसमें नीचे वाले पार्ट में दिखाया गया है लोअर में, कि जो रावण है उसके पास क्या है, एक मल्टी फेस्ड रावण है, जिसके पास मल्टी आर्म्ड, जो कि आपका मल्टी आर्म्ड है, और ये क्या कर रहा है, ये जो है आपका कैलाश को शेक कर रहा है। ठीक है, पूरी पावर से कैलाश को शेक कर रहा है। ओके, तो ये जो है राउंड द चैम्बर, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, इमेज जो है एट द सेंटर शिव एंड पार्वती जी का है, अलोंग विद द प्रेजेंट अदर्स प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि अदर भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, लोग कौन? देवी देवता लोग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग को क्या बताया कि ये जो ऊपर का है टॉप में, थ्री फ्रेम्स में डिवाइड है। ठीक है, थ्री फ्रेम्स में डिवाइड है। अच्छा, यहाँ पे फिर एलोरा के बारे में कुछ तारीफें की हैं, जैसे कि एलोरा के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो चैम्बर है बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, जिसमें थ्री डायमेंशनल इफेक्ट्स, कुछ शेड्स और इफेक्ट्स की द्वारा जो है क्या किया जाता है, वहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद फिर देखिए, जो अपर हाफ है, जो हम बताए थ्री फ्रेम्स में डिवाइड है, सेंटर में शिव एंड पार्वती है। अब पार्वती को जी को कैसे दिखाया गया, पार्वती जी को यहाँ पर शोन बाय द स्ट्रेच लेग एंड स्लाइटली ट्विस्टेड। ठीक है, थोड़ा सा उधर घुमा हुआ, ठीक है, देख सकते हैं फिगर में थोड़ा सा घुमा हुआ जैसा है, ये सर ये इधर घुमे हुए हैं और ये उधर है। ठीक है, पैर वगैरह, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्विस्टेड बॉडी लिखा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रामेटिक इफेक्ट, जो कि लाइट और शेड से यहाँ पे दिखाया जाता है। ड्रॉप्स जो है यहाँ पे एट द लोअर में बना हुआ है, ड्रॉप्स जो कि क्या कर रहे हैं, दे आर देखिए एंगेज इन देयर एक्टिविटीज़, वो अपने एक्टिविटीज़ में बिजी हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ को भी दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़, तो सेलेस्टियल्स को भी कुछ शो किया गया है, डैट कि जो फ्रोजन जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है आपका लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। ठीक है, ये जो है आपका क्या करना है, विटनेसिंग द इवेंट, जो हर एक इमेज है आपका, जो हर एक इमेज इसमें, चाहे ये हो, मतलब जो भी इमेज जितना भी है, तो ये सारा इमेज, हर एक इमेज बोल रहे हैं हम, तो जिसमें कि बॉडी जो एक्शन है बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल्ली जो है यहाँ पे क्या किया, इंटरवोवन ईच अदर, यानी कि एक दूसरे में वो लगता है कि एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, मतलब एक दूसरे को बहुत ही अच्छा से क्या किया गया है, जिस तरह हम लोग ड्रामा दिखाते हैं उसी तरह क्या किया गया है, इस स्कल्पचर में भी उस तरह के हाव भाव दिया गया है। ठीक है, इंटरवोविंग ईच अदर। और ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा, एलोरा केव्स में मिलेगा, जो कि लैंडमार्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग त्रिमूर्ति करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग त्रिमूर्ति कर लेंगे।